दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है अपने एंड्रॉइड फोन को इस्तेमाल करके। तो चलते हैं फटाफट जान लेते हैं। तो अमेजन से शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले अमेजन पे एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। चलते हैं सारी चीज़ें आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे अमेजन पे अकाउंट बनाया जाता है और अकाउंट बनाकर कैसे शॉपिंग किया जाता है ऑनलाइन। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं फटाफट सीख लेते हैं। तो अमेजन एप्लीकेशन एक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो इसका मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चाहेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ऊपर में जो कि ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है वो ये लेटेस्ट ऑफर है जो भी अमेजन के पास होता है यहाँ पर शो करता है, जो भी नया ऑफर होता है यहाँ आएगा। और चलते हैं नीचे की तरफ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि मेनू दिया हुआ है अमेजन का, जो कि मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, होम्स, तो जो भी सामान आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान के चलिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोबाइल क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर मोबाइल आ जाएगा। तो ऐसा ही करके आप अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर्च करके तो यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे जो भी आप लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ट्राईपैड सर्च करके और इसको परचेज करके मैं दिखा देता हूँ कैसे ऑर्डर किया जाता है। तो इस पर क्लिक करेंगे ट्राईपैड, इसमें टाइप करके इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे देख सकते हैं ट्राईपैड आ चुका है। तो इसमें से आपने जो भी अच्छा लगे चूज कर लेंगे, चूज करके उस पर क्लिक कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं क्या क्या इसमें मिलेगा आपको। और नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट शो करेगा, देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है और ये दिखा रहा है इन स्टॉक, मतलब ये अमेजन के पास अवेलेबल है। और डिलीवरी आज ऑर्डर करेंगे तो देख सकते हैं 20 जनवरी को आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। तो सारे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा, तो अगर खरीदना चाहते हैं तो बाय नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अकाउंट और क्रिएट अकाउंट न्यू टू अमेजन और एक यहाँ पे दे रहा है लॉगिन। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, नहीं तो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आप नया अकाउंट बनाकर सीख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे सबसे ऊपर, सेकेंड में डालेंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी होगा तो डालेंगे, नहीं तो ऑप्शनल है छोड़ भी सकते हैं। और नीचे में पासवर्ड कोई भी 8 से 10 अंक का बना लेंगे पासवर्ड, और हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा जब भी आप ये परचेज करेंगे कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग करेंगे तो आपको वो नंबर डालना पड़ेगा पासवर्ड का और मोबाइल नंबर का। चलिए हम टाइप कर लेते हैं सारी चीज़ें और बना लेते हैं अपने अकाउंट। और सारा फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ चुका है और इस मोबाइल में आपका वो इस नंबर होगा तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और दूसरा मोबाइल में होगा तो उसको डाल लेंगे। तो 6 अंक का ओटीपी आएगा तो चलिए अपना डाल लेते हैं। और डालने के बाद यहाँ पर क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो ये कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटर योर शॉपिंग एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। चलिए अपना टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हम पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर सिटी डाल देंगे और यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर फ्लैट नंबर जो भी बिल्डिंग में रहते हैं और यहाँ पर कॉलोनी एरिया जो भी गांव है गांव का नाम डाल देंगे और यहाँ पर लैंडमार्क डाल देंगे जो भी आपके गांव में आसपास में जो भी स्कूल कॉलेज जो भी होगा तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो चलिए हम अपना फिलअप कर लेते हैं। तो सारा फिलअप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस टाइप तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप होम पे मंगाना चाहते हैं तो होम पे सेलेक्ट करेंगे और टाइमिंग यहाँ पे दे रहा है डिलीवरी टाइमिंग कितना बजे आपको लेकर आएगा, तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपको शाम तक
ला कर देगा। और ऑफिस में मंगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल लिख रहा है, यहाँ 10 से 600 कलर तक आपको लाएगा। तो कहाँ पे आप मंगाना चाहते हैं, तो जहाँ पे मंगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम होम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद इन पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, जो कि 50% आपको कैशबैक मिल सकता है अगर आप ऑर्डर करेंगे तो। और पेमेंट मेथड आ जाएगा, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या यहाँ पर देख सकते हैं UPI। तो जैसे आपको करना है कैश ऑन डिलीवरी, तो सारे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और तो चलिए मैं कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो चलिए मैं कार्ड से एक ऑर्डर करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मान के चलिए हमको डेबिट कार्ड से करना है, तो डेबिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा डेबिट कार्ड नंबर यहाँ टाइप करने के लिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं अपना डेबिट कार्ड नंबर, और डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ये ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी करना होगा तो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। तो मेरा लोकेशन पे अवेलेबल नहीं था कैश ऑन डिलीवरी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं आपके एरिया में होगा तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।